क्लियर द्विवेदी जी, और आज बहुत दिन बाद अब लॉ पार्ट 23 हम आपको दे रहे हैं। ब्लॉग मेरा क्लियर द्विवेदी एजुकेशनल है। इससे पहले का सारा हमने कॉन्टेंट एड का डाल दिया है, और एक हमने नया ब्लॉग बनाया है, शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट चैनल बनाया है, इन्वेस्टिंग मेड इजी, ये मेरा ही है, ठीक है। तो अगर जिनको शेयर और में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन शुरू से है। अब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सहयोगी का अनुबंध है जो किसी टाइप से सहयोग के ऊपर आधारित होते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा है इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो, इसमें लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ देना, क्योंकि लाइफ में इवेंट सर्टेन है, या तो आप एक पर्टिकुलर एज को आप पहुँचेंगे या क्या कहते हैं उससे पहले उसकी डेथ हो जाएगी, तो ये इसलिए सर्टेन है। गारंटी का है, इंडेमिटी का कॉन्ट्रैक्ट है ये। अब तो एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमने लिखा है कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी चीज़ के होने या ना होने के ऊपर आधारित है। अब इसके कुछ रूल है, अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन, कि अगर कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हो जाता है तो, जैसे ए ने बी से प्रॉमिस किया कि ए ने बी से ये प्रॉमिस किया कि वो 1000 रुपये उसको देगा अगर उसकी शादी सी से हो जाती है, अगर उसकी शादी सी से हो जाएगी तो पैसा मिलेगा वरना नहीं। दूसरा पॉइंट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डज नॉट हैपन, इसमें लिखा है कि इवेंट हैपन और इसमें लिखा है डज नॉट हैपन, तो नहीं हो। ए प्रॉमिस टू पे बी, ठीक है, इफ जेड डज नॉट रिटर्न, इफ द शिप सांक, अगर शिप डूब जाती है तो अगर वो नहीं, मतलब क्या कहते हैं, दे पाता तो फिर वो ए देगा, ठीक है, तो वो उसकी सिचुएशन पे है। थर्ड है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन, ठीक है, जो फ्यूचर कंडक्ट है किसी लिविंग पर्सन का, तो जैसे ए प्रॉमिस मनी इफ बी मैरिज टू सी, लेकिन बी ने जो है अगर मान लीजिए डी से शादी कर लिया तो फिर वो उसको पैसा देने के लिए लायबल नहीं होगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में अगर कोई चीज़ होती है कि 1 साल के अंदर जैसे आपका शिप नहीं रिटर्न होता, अगर मान लीजिए वो डूब जाता है तो भी पैसा देने की बात होगी, ठीक है। या कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि अगर वो चीज़ नहीं हो, ठीक है, जैसे इसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर शिप 1 साल के अंदर नहीं लौटता तो पैसा दिया जाएगा, तो वो हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट का तो हमने आपको पहले भी समझाया था कि 2 पैरेलल लाइन से 1 सर्कल नहीं बनाए जा सकते, तो सारे कॉन्टिजेंट इवेंट, ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा कॉन्टिजेंट इवेंट का था। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम लॉ पार्ट 24 में डालेंगे वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के लिए डालेंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट चैनल है, जिसको अगर मतलब आपको जिसको भी सब्सक्राइब करना हो तो इस पर भी सब्सक्राइब कर सकता है, जिससे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड गाइडलाइन हम आपको लगातार देते रहेंगे, ठीक है। और ओके, धन्यवाद।